नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के स्कोर कार्ड के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का स्कोर कार्ड चेक करना है। पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको स्कोर कार्ड चेक करना है। तो आपको बता दें, स्कोर कार्ड चेक करने के लिए आपको गूगल क्रोम या अन्य कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है educationindialive.com। आपको क्या सर्च करना है, तो आपको सर्च करना है educationindialive.com। गूगल में लिखने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर जो सबसे ऊपर वेबसाइट देखने को मिल रही है, इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। वेबसाइट कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाना है। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिजल्ट। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और इस पोस्ट को आपको ओपन कर लेना है। पोस्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप नीचे की ओर जब आएंगे तो आप देख पाएंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल स्कोर कार्ड डायरेक्ट लिंक। इस डायरेक्ट लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना यूजर नेम यानी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और उसके साथ ही जो आपने SSC में रजिस्ट्रेशन करते वक्त पासवर्ड डाला था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इस इमेज के अंदर जो कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है उसे आपको इस बॉक्स में फिल करना है और फिर दोस्तों आपको लॉग इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लॉग इन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई दे रहे फोर्थ नंबर के ऑप्शन रिजल्ट और मार्क्स पर क्लिक कर देना है। रिजल्ट और मार्क्स पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से आपके सामने आपकी डिटेल्स आ जाएगी और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे स्कोर इन CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपने पार्ट ए, पार्ट बी और यहाँ पर पार्ट ई तक कितना स्कोर किया है, रो स्कोर कितना हुआ था और नॉर्मलाइज स्कोर कितना था, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। स्कोर कार्ड को प्रिंट करने के लिए नीचे प्रिंट का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप स्कोर कार्ड को प्रिंट कर पाएंगे। ये थी पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के स्कोर कार्ड चेक करने को लेकर। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।